हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियर ड्राइंग के नए 10 क्वेश्चन जो एलपी सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जिन लोगों ने भी मेरा कबीर टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा ये कि मैं जो भी नई वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द A3 ड्राइंग शीट पेपर। A3 ड्राइंग शीट पेपर का आकार क्या है। ऑप्शन ए 841x1189, ऑप्शन बी 594x841, ऑप्शन सी 420x594, ऑप्शन डी 297x420। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 297x420। तो इसका याद करने का तरीका ये है, जैसे हम एक शीट का जो है याद कर लेते हैं, जैसे A0 का हमें याद है तो A0 का पेपर का साइज क्या होता है, 841x1189 होता है। अब मान लो कि A1 का निकालना है, A1 का तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है इसको बटे दो कर देंगे तो कितना आएगा, 594.5 आएगा, लेकिन हम 594 लिखेंगे, 594 इंटू जो 841 है वो हम ऐसे ही लिख देंगे 841। ये किसका हो गया, A1 का हो गया। इसी तरह A2 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 का लास्ट वाले का बटे दो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा इंटू 504 में हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमें A2 का याद हो गया। अब A3 का याद करना था तो A3 का तो ऐसे ही है कि मतलब 594 का बटे दो करेंगे तो कितना आएगा, 297 आएगा और इंटू कितना हो जाएगा, आगे क्या लिखा था, 420, ये हो गया ठीक है। और A4 का मान लेते हैं, A4 का इसी हिसाब से निकल जाएगा, A3 का पता है तो A4 का ऐसे निकालेंगे बटे दो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, A4 का क्या हो जाएगा, 210 इंटू 297 ठीक है। और A5 का कैसे निकालेंगे, A5 का इसका बटे दो कर देंगे तो कितना आएगा, 148.5 आएगा, लेकिन 0.5 नहीं लेंगे हम 148 ही लेंगे, मतलब 148 गुणे और जो आगे जो लिखा था 210 वो 210 निकाल, ये हो गया हमारा A5 का। तो इसी तरह हमने मतलब जो है A3 शीट पेपर साइज से मतलब A0 का अगर याद हमें तो हम A5 तक के सभी पेपर के शीट का जो है साइज याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटरिंग आर देयर। अक्षरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। तो इसमें चार तरह के अक्षरांकन किए जाते हैं, एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है रोमन, तीसरा होता है इटैलिक, चौथा होता है गोथिक। टेक्स्ट में मतलब ABCD ऐसे कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, A B स्टाइलिश टाइप C ना। और रोमन में बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है जैसे हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, A B C ठीक है। और इटैलिक में कैसे लिखेंगे, मतलब कुछ एंगल में, हॉरिजॉन्टल 15 डिग्री के एंगल में, A B C ये क्या है, एंगल में, ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल में, 75 डिग्री एंगल में लिखा है ठीक है। अगर गोथिक में बोलेंगे, गोथिक तब कैसे लिखेंगे, ये बोल्ड लेटर में होता है, जैसे ए जैसे हम लोग लिखते हैं साधारण, इसको जो है बोल्ड कर देंगे मतलब मोटा कर देंगे, ए ये हो जाएगा, और ये बी इसको बोल्ड करो, बोल्ड बी सी तो ये ऐसे लिखा जाएगा ठीक है गोथिक में ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक, हु इज कॉल्ड डबल स्ट्रोक लेटरिंग। डबल स्ट्रोक अक्षर किसे कहते हैं, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी इटैली, ऑप्शन डी गोथिक। तो इसका जो सही आंसर हुआ है गोथिक। गोथिक बताया था कि मतलब जो बोल्ड लेटर लिखा है, बोल्ड लेटर मतलब मोटा कोई लेटर होता है, ये तो रोमन टाइप का हो गया, मतलब इसी को थोड़ा हम मोटा कर दें
क्या हो गया, ये हो गया डबल स्टॉप लेटरिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द लेटर फॉर द मेन टाइटल, मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 8 mm, ऑप्शन बी 3 mm, ऑप्शन सी 5 mm, ऑप्शन डी 12 mm। इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन ए 8 mm। मुख्य शीर्षक मतलब जो मेन टाइटल जिसे लिखा जाता है, जैसे मतलब कहीं भी देखे हो गए रिज्यूम आप बनाते हो तो जो मेन टाइटल है वो जैसे रिज्यूम आप लिखते हो कैसे, तो यही पूछा गया है कि इसकी जो है अक्षरों की ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए मेन टाइटल, ठीक है, इंजन ड्राइंग में। बाकी सब की बात नहीं करें, हम इंजन ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ ऑफ द लेटर, अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 4:5, ऑप्शन डी 6:4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7:4। 7 ऊंचाई हो जाएगी और 4 चौड़ाई, मतलब जैसे मान लो कि हमें ए लिखना है ए, ठीक है, तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 mm, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 4 mm, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, विच एंगल इज नॉट ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की मदद से कौन सा कोण नहीं खींचा जा सकता है। तो हमारे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 105 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की मदद से 40 डिग्री का एंगल हम नहीं खींच सकते हैं। जानते हैं कैसे, ये देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, देख रहे होंगे आप कि इससे जो हम 15 के गुणा के सारे कोण खींच सकते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इस हिसाब से हम मतलब जो है खींच सकते हैं। तो 15 डिग्री तो बन ही सकता है, 15 डिग्री तो खींच ही लेंगे हम, और 60 डिग्री भी हम खींच लेंगे और 105 डिग्री भी खींच लेंगे, और जो नहीं खींच सकते हैं वो है 40 डिग्री। 40 डिग्री हम जो है वो सेट स्क्वायर और जे टू स्क्वायर की मदद से नहीं खींच पाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हेड एंड द ब्लेड इन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में हेड और ब्लेड की बीच कोण क्या है। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 105 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। आपने टी स्क्वायर देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का होता है, ये है टी स्क्वायर। यही पूछा गया था हेड और इसके इसके ब्लेड के बीच में एंगल कितना होता है, ये एंगल ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्राइंग टूल इज यूज टू मार्किंग द मार्किंग ऑफ एंगल। कोण का निशान लगाने के लिए कौन सा ड्राइंग टूल यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी कंपा, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी फ्रेंच कर्व। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्टर, मतलब चांदा से मतलब अगर हमें मान लो कि 60 डिग्री का कोण खींचना है तो मतलब ये मतलब कोई लाइन है और मतलब ये रखा है चांदा हमारा, ठीक है। अब मान लो कि 60 डिग्री का कोण खींचा, यहाँ पे निशान लगे तो क्या होगा, हम निशान लगा लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद चांदे को हम हटा देंगे, फिर इसके बाद इस तरह से हम कुछ एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉटेड लाइन इज ऑल्सो नोन बाई द अदर नेम। डॉटेड लाइन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हिडन लाइन, ऑप्शन बी हैचिंग लाइन, ऑप्शन सी सेंटर लाइन, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन लाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए हिडन लाइन। हिडन लाइन को ही डॉटेड लाइन बोलते हैं, इस तरह से 3 mm स्पेस 1 mm, 3 mm फिर इसके बाद स्पेस 1 mm का, फिर इसके बाद 3 mm, ठीक है,
ये हो तुम्हारी हिडन लाइन। हिडन लाइन मतलब जो छुपे हुए भागों को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया इन ड्राइंग बोर्ड कनेक्टिंग वुड स्ट्रिप इज कॉल्ड, ड्राइंग बोर्ड में जुड़ी हुई स्ट्रिप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इबोनी, ऑप्शन बी स्ट्रिप, ऑप्शन सी स्टैक, ऑप्शन डी बैटन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बैटन्स। बैटन जो है स्ट्रिप को हमारे जोड़े रखता है। चलिए फिगर में देखते हैं किस तरह का दिखता है। ये हमारा है फिगर ड्राइंग बोर्ड का, इसमें ये दिखाओ दिखाया गया है, ये है बैटन्स। बैटन्स जो हमारे जो स्ट्रिप को जो है जोड़े हुआ है, ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, चार स्ट्रिप, ठीक है। तो बैटन जो है चार से छः स्ट्रिप को जोड़े रहता है, ठीक है। और ये होती है वर्किंग एज, जिसमें टी स्क्वायर जो है वो फंसा के जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इससे खींची जाती है। और ये है वर्किंग एज, इधर साइड दिखाया गया है, और ये है स्ट्रिप, ठीक है। ठीक है फिर, और लास्ट में आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द साइज ऑफ टी थ्री स्क्वायर, टी थ्री वर्ग का आकार क्या है, ठीक है। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।